आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही कमाल का डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। ये है ईज अस डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप एक फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो या फिर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो आप स्टोरेज डिवाइसेस के डेटा की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझते होगे। कभी कभी क्या होता है, गलती से हम कोई फाइल डिलीट कर देते हैं और बाद में पता लगता है यार उस फाइल की तो हमें बहुत जरूरत थी, या फिर मान लो हमारी पेन ड्राइव है, एसडी कार्ड है, वो करप्ट हो गया है, डेटा डिलीट हो गया। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको इस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में इंस्टॉल करना होगा। इसका डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप ejust.com की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहां पर आप देख सकते हो फ्री डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को आप विंडोज 11, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7 और आप मैक पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर सभी तरह के स्टोरेज मीडिया को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ 1000+ फॉर्मेट्स को ये सपोर्ट करता है। जैसे कि आपकी यूएसबी ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, एचडीडी, एसएसडी, पीसी, लैपटॉप, एनएएस, सभी को ये सपोर्ट करता है। इसमें आप अपनी फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट को रिपेयर भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको रिपेयर टूल्स भी देखने को मिल जाते हैं, एडवांस फोटो रिपेयर का ऑप्शन मिल जाता है, करप्टेड वीडियो रिपेयर का ऑप्शन मिल जाता है। आपका किसी भी कारण से कोई भी डाटा किसी भी कारण से अगर डिलीट हो गया हो तो ये सॉफ्टवेयर आपका सारा डेटा वापस लेके आ सकता है। फॉर्मेटिंग कर दी हो, डिलीट कर दिया हो, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया हो, या फिर वायरस इन्फेक्शन आ गया हो, किसी भी कारण से अगर आपका डेटा लॉस हो गया है, डिलीट हो गया है, तो उसे आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से रिकवर कर सकते हो। सबसे पहले हम इसे डाउनलोड करेंगे। यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है फ्री डाउनलोड, फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अब यहां ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में आप देखोगे यहां पर एक exe फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। इसके बाद इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। अब ये सॉफ्टवेयर हमारे पीसी पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर हमारे पीसी पर इंस्टॉल हो चुका है। जब हम इसे ओपन करते हैं इस तरह का इंटरफेस यहां देखने को मिलता है, ईजस डेटा रिकवरी विजार्ड प्रोफेशनल। यहाँ पर आपको हार्डवेयर डिस्क का ऑप्शन मिलता है, एसडी कार्ड का ऑप्शन मिलता है, एनएएस एंड लिनक्स का ऑप्शन मिलता है और एक रेड का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। लॉस्ट पार्टीशन रेस्क्यू का ऑप्शन मिल जाता है, क्रैश्ड पीसी रेस्क्यू का ऑप्शन मिल जाता है। अब आपके पीसी के अंदर जो भी आपकी हार्ड ड्राइव है या फिर आपकी कोई भी पेन ड्राइव यहाँ पर लगी हुई है वो आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे लैपटॉप की सी ड्राइव यहाँ पर शो हो रही है, रिसाइकल विन, डेस्कटॉप, सिलेक्ट फोल्डर, क्लाउड ड्राइव, ये सब ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए अगर आप चाहो अपने पूरे पीसी का, जैसे सी ड्राइव है, सी ड्राइव आप सिलेक्ट कर लो और उसके बाद सर्च फॉर लॉस्ट डेटा पर क्लिक करोगे तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा मान लो आपको अपने रिसाइकल विन के डेटा को अगर रिकवर करना है तो यहाँ से आप रिसाइकल विन सिलेक्ट कर लो और उसके बाद सर्च फॉर लॉस्ट डेटा पर क्लिक करोगे तो आपका डेटा ये सर्च करने लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर डेस्कटॉप का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको डेस्कटॉप सिलेक्ट करना है तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर फोल्डर सिलेक्ट करके उसके डेटा को रिकवर करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा क्लाउड ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको क्लाउड ड्राइव का डेटा रिकवर करना है तो वो भी आप यहां से कर सकते हो। उसके लिए आपको यहां पर वन ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं, मेरे पास एक पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव के डेटा को मैं डिलीट करके और फिर से रिकवर करके आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो पेन ड्राइव मैंने यहां पर लगा दी है, यहां पर हमारी सी ड्राइव शो हो रही है और ये हमारी पेन ड्राइव यहां पर शो हो रही है। इसके अंदर मैंने कुछ डेटा डाल रखा है, मैं आपको दिखाता हूं। इसके अंदर मेरी कुछ इमेज है और एक वीडियो है, तीन फोटोज यहां पर है और एक वीडियो भी इसके अंदर है। तो अब इस पेन ड्राइव के डेटा को मैं यहां से फॉर्मेट पर क्लिक कर देता हूं, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट कंप्लीट का मैसेज आ गया, यानी हमारी जो पेन ड्राइव है वो पूरी तरह से यहां फॉर्मेट हो चुकी है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आप चेक करके देख सकते हो हमारी पेन ड्राइव के अंदर अब कोई भी डेटा नहीं है। अब पेन ड्राइव के डिलीटेड डेटा को वापस लाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ईज अस डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, सिंपल। यहां से मैं अपनी यूएसबी ड्राइव को सिलेक्ट करूंगा, यहां पर सर्च फॉर लॉस डेटा पर क्लिक करेंगे। अब यहां आप देख रहे हो सॉफ्टवेयर ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहां पर हमारी एडवांस स्कैनिंग चल रही है। तो इस साइड आप देखोगे यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक पाथ का ऑप्शन आ रहा है, टाइप का ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा अलग अलग फोल्डर्स यहां पर बन गए हैं। पिक्चर्स का फोल्डर आ गया, वीडियोस का फोल्डर आ गया, डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर आ गया। एडवांस स्कैनिंग में कितना टाइम लगने वाला है,
वो आपके पीसी के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा। अगर आपका लो एंड पीसी है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, और अगर आपके पीसी का कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया है तो ये काम काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर का जो एडवांस स्कैनिंग का काम चल रहा था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब ये यहाँ पर कुछ फाइल्स को रिपेयर कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं एनहांस्ड वीडियो रिपेयरिंग, तो यहाँ आप देख सकते हो 7 वीडियो यहाँ पर इसने रिपेयर कर दिए हैं और बाकी फाइल्स को भी ये रिपेयर कर रहा है। तो ईजस डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर केवल एक डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपकी फाइल्स को भी ये रिपेयर कर देता है। रिपेयरिंग का ऑप्शन भी इसके अंदर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन स्कैन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें 68 फाइल मिली है और 4 फाइल यहाँ पर रिपेयर भी हुई है। गो टू रिकवर पर क्लिक करेंगे। मेरी पेन ड्राइव के अंदर केवल 4 फाइल थी जिन्हें मैंने अभी यहाँ पर फॉर्मेट करके डिलीट किया था, लेकिन इस सॉफ्टवेयर ने 68 फाइल्स को यहाँ से ढूंढ निकाला है, रिकवर कर दिया है। जैसे पिक्चर्स का ऑप्शन आ रहा है तो पिक्चर्स के अंदर हमारी 48 फाइल्स है, वीडियोस के अंदर हमारी 7 फाइल इसको मिल गई है, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसको 13 फाइल मिली हुई है। अगर सारे डेटा को आप रिकवर करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन फिलहाल हम उन्हीं फाइल्स को रिकवर करेंगे जो अभी 4 फाइल हमारी डिलीट हुई थी, उन्हें हम रिकवर करेंगे। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं पिक्चर्स, अगर हम पिक्चर्स पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप पिक्चर्स को रिकवर कर सकते हो। अगर आप चाहो केवल वीडियोस को रिकवर करना है तो वीडियोस को रिकवर कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो डॉक्यूमेंट्स को रिकवर करना है तो उसे यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, और सबको अगर आपको यहाँ से रिकवर करना है तो सबके आगे टिक कर दोगे और उसके बाद रिकवर ऑल पर क्लिक कर दोगे तो ये सारी फाइल्स आपकी रिकवर हो जाएंगी। इसके अलावा आप फाइल फॉर्मेट के हिसाब से भी रिकवरी कर सकते हो। जेपीजी पर क्लिक करो तो इसके अंदर आपको बहुत सारे इमेजेस देखने को मिल जाती हैं, जबकि हमारी केवल 4 फोटो थी, तो इसके अंदर हमारी फोटोज यहाँ पर तो नहीं है। तो जेपीजी के अंदर हमारी वो वाली फाइल्स नहीं है, हम पीएनजी के अंदर देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो पीएनजी के अंदर हमारी 3 फोटोज यहाँ पर आ चुकी हैं। अब मैं इन्हें यहाँ पर रिकवर करूंगा तो इन्हें मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, 3 को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा मैं यहाँ पर अपनी जो वीडियो थी, एक हमारी वीडियो थी, उसे भी मैं यहाँ पर सर्च कर ले रहा हूँ। तो वीडियो पर क्लिक करूंगा यहाँ पर, और उसके बाद MP4 पर क्लिक करूंगा। अब इसके अंदर जो मेरी वीडियो थी, एक PTZ कैमरा वाली वीडियो थी, ये वाली वीडियो थी हमारी, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसको भी मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया और मैंने अपनी 3 फ़ोटो भी सिलेक्ट कर ली। अब उसके बाद रिकवर करने के लिए सिंपल आपको यहाँ रिकवर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है वो फोल्डर जहाँ पर आप इन फाइल्स को सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं चूज फोल्डर पर क्लिक करूंगा और उसके बाद सेव पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ ईज अस रिकवर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक नया फोल्डर बना दिया, इसको ओपन करेंगे और जो हमारी रिकवर होने के बाद फाइल्स हैं उन्हें हम यहाँ पर सेव करेंगे, सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देंगे। अभी हमारी सारी फाइल्स यहाँ पर आ चुकी हैं हमारे फोल्डर के अंदर। यहाँ आप देख सकते हो इस फोल्डर को क्लिक करके ओपन करेंगे तो आप देखोगे हमारी फाइल्स इसके अंदर आ चुकी हैं। ये हमारी पिक्चर्स आ गई, ये हमारी वीडियोस आ गई। पिक्चर्स के अंदर क्लिक करो तो आप देख सकते हो हमारी PNG फाइल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर वीडियो थी वो भी यहाँ पर आ चुकी है, ये देखिए। दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और बहुत ही एक्यूरेट आपको यहाँ पर डेटा रिकवरी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आपकी जो क्वालिटी है, आपकी फाइल्स की क्वालिटी भी बरकरार रहती है। तो अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना चाहते हो तो फ्री में आप इसे डाउनलोड करो और इस्तेमाल करके देखो। 2 GB डेटा तक रिकवर करने का बिल्कुल फ्री है, और आपको लगता है ये सॉफ्टवेयर आपके लिए यूजफुल है तो आप इसका प्रो वर्जन भी बाय कर सकते हो। यहाँ पर आपको इनके सारे प्लान्स देखने को मिल जाते हैं। जो भी प्लान इनमें से आपको सिलेक्ट करना उसे सिलेक्ट कर लो, बाय कर लो, और उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।